म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हमें हर जगह सुनने को मिलता है, पर आखिर म्यूचुअल फंड है क्या, ये हमें कोई नहीं बताता। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड से हमें क्या फायदे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए ताकि आप म्यूचुअल फंड को एकदम अच्छी तरह से समझ लें। आइए चलते हैं पहले सवाल पर, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है, म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है जो चीज कॉमन हो, और फंड का मतलब तो आप जानते ही हैं। इस तरह म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कॉमन फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसों को कलेक्ट करके रखा जाता है। इस कलेक्टेड फंड को हम उस म्यूचुअल फंड का AUM या एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, और फिर कलेक्ट किए हुए फंड्स को अच्छी से अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। म्यूचुअल फंड में कलेक्ट किए हुए फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजंस फंड मैनेजर ही करते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को हम बेसिकली दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला है एसेट के आधार पर। दोस्तों, एसेट के आधार पर म्यूचुअल फंड मेनली तीन तरह के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे अच्छी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट हों तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैसे शेयर्स के बजाय अच्छे बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट हों तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न दोनों जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पैसे शेयर्स और कुछ बॉन्ड्स में हों तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न दोनों जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम पर डेट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ये थे असेट्स के आधार पर तीन तरह के म्यूचुअल फंड। दोस्तों, स्ट्रक्चर के आधार पर भी तीन तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ये वैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें हम कभी भी इन्वेस्ट और सेल कर सकते हैं। दूसरा है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में हम बस म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब तक म्यूचुअल फंड का टर्म एंड नहीं होता, हम ना तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं। और तीसरा है इंटरवल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट और सेल एक खास इंटरवल में ही कर सकते हैं, और ये इंटरवल म्यूचुअल फंड डिसाइड करते हैं। इंटरवल एंड होने के बाद हम ना तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही सेल। दोस्तों, ये थे स्ट्रक्चर के आधार पर तीन तरह के म्यूचुअल फंड्स। आइए अब चलते हैं आखिरी सवाल पर, म्यूचुअल फंड से हमें क्या फायदे हैं। दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बिना मेहनत की अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर हमारे पैसों को अच्छी से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बहुत कम रिस्की होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स हमसे कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं और रिस्क को हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। दोस्तों, हम अपनी रिस्क और रिटर्न ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड्स पसंद कर सकते हैं, और अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। इसमें हमने जाना कि म्यूचुअल फंड एक कॉमन फंड होता है जिसे उसका फंड मैनेजर मैनेज करता है। एसेट के बेस पर म्यूचुअल फंड तीन तरह के होते हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। स्ट्रक्चर के बेस पर भी म्यूचुअल फंड तीन तरह के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड और इंटरवल फंड्स। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम बिना मेहनत की अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।